गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी विद कमलेश का स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने स्टोन एज के बारे में बताया था, ठीक है। आज मैं बताने वाला हूँ हड़प्पा संस्कृति के बारे में। तो उससे पहले अपने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हड़प्पा संस्कृति। लेकिन इससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस हम लोगों को पढ़ना क्या है, इसमें वो थोड़ा हम लोग अथवा चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता जो हमारा है, लगभग ये क्या है 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी के बीच ये हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है ना। इसमें इस बीच में जो सारी घटनाएं हुई है वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और जो इसमें जो हम लोग पढ़ना है पहला टॉपिक की वो उसका क्या है, ज्योग्राफिकल सेटिंग पढ़ना है, भौगोलिक ढांचा पढ़ना है, ठीक है। मतलब किस पृष्ठभूमि में हड़प्पा सभ्यता का ओरिजिन हुआ है, ठीक है ना, एंड डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा जो होगा हमारा वो है टाउन प्लानिंग है, ठीक है, टाउन प्लानिंग, नगर योजना और संरचनाएं हैं। तीसरा क्या है हमारा, सोशल सिस्टम है, सामाजिक व्यवस्था है, ठीक। चौथा क्या हो जाएगा हमारा, इकोनॉमिक सिस्टम। और पांचवा हमारा है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है। तो पहले हम लोग ज्योग्राफिकल पढ़ेंगे, फिर सोशल, फिर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लास्ट में पढ़ेंगे किसके बारे में, टाउन प्लानिंग के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले हमारा है ज्योग्राफिकल सेटिंग के बारे में। तो पहले मैं एक मैप दिखा रहा हूं आपको, पहले उसके बारे में थोड़ा अपना की नजर डालिए उसमें। ये हमारा है, ये इंडिया का मैप है और ये पाकिस्तान है। मतलब आपको ये जो मैप याद रखना है वो कौन सा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, भारतीय उपमहाद्वीप का जो मानचित्र आपको माइंड में याद रखना है। कोई भी एटलस है, एटलस निकाल लीजिए आप, उस एटलस के सहारे देखिएगा आप, ठीक है ना। भारतीय उपमहाद्वीप मतलब जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, श्रीलंका, ये नेपाल आएगा इसमें, भूटान आएगा और बांग्लादेश, ये सारे मिलके बनता है भारतीय उपमहाद्वीप। इसको लेके तो इसी क्षेत्र में, तो भारतीय उपमहाद्वीप का क्या है हमारा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारा। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हड़प्पा सभ्यता का हमारा विकास हुआ है। तो एशिया में हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है, तो एशिया में हमारा क्या हो गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं साउथ एशिया में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। और साउथ एशिया में कहाँ पे, तो उसके साउथ एशिया का साउथ वेस्ट में हुआ है, ठीक है, ये देखना है। पहले इसका तो लोकेशन नहीं, इसके लोकेशन समझ में आ गया। हिंदी में क्या हो गया हमारा, एशिया महाद्वीप कहाँ, दक्षिण एशिया में हो गया, ठीक है। अब दक्षिण एशिया में कहाँ पे, तो हमारा उत्तर पश्चिम भाग में है, ठीक है। इसमें कौन कौन से हमारे राज्य शामिल है, या कौन कौन से देश शामिल है, हमारा पाकिस्तान हो जाएगा, हमारा अफगानिस्तान का थोड़ा पार्ट है, और इसमें हमारा ये इंडिया, ये दो हमारे, इंडिया और पाकिस्तान दो हमारे मेन है, ठीक है। देखिए इसका भौगोलिक विस्तार में क्या है, इस संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी उत्तर भाग में हुआ है। मतलब कहां पे हुआ है, ताम्रपाषाणिक। इससे पहले जो हमारा एज था वो क्या था, स्टोन कॉपर एज, ठीक है। स्टोन कॉपर एज के बाद क्या हो गया हमारा, ये वाला एज आया हड़प्पा संस्कृति। इसलिए बोला, क्या बोला, पृष्ठभूमि ताम्रपाषाणिक, मतलब स्टोन कॉपर के बाद क्या आया हमारा, ये हड़प्पा संस्कृति आया, ठीक है। कहाँ पे है, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी उत्तर भाग में, नॉर्थ वेस्टर्न वेस्ट भाग में, लोकेशन हो गया। आगे देखिए इसका फैलाव क्या है, इसका फैलाव हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर में जम्मू कश्मीर, ठीक है, से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के मकरान समुद्र के तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक है, ठीक है। यह समुचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है, ठीक है, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये जो हमारा है, सबसे जो ऊपर नॉर्दर्न मोस्ट है, ये देखेंगे तो आप क्या है, जम्मू कश्मीर तक है हमारा। जम्मू कश्मीर में जो सबसे जो हमारा सबसे जो उत्तरी पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, या हड़प्पाई स्थल है, उसका नाम क्या है, मांडा, एम से लिखा हूं मैं, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, इसलिए नोट करना है इसको। सबसे उत्तरी क्या हो गया हमारा, मांडा हो गया, ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं, सबसे उत्तरी क्या हो जाएगा हमारा, मांडा, ठीक है। और सबसे दक्षिणी क्या हो जाएगा हमारा, ये नर्मदा के तट में है हमारा, नर्मदा के तट के पास है, यहां दक्षिण में है नर्मदा का तट, ठीक है। फिर सबसे पूरब, यहां पे देखेंगे पूरब में आप, यहां पे मिलेगा आपको आलमगीरपुर, एक हड़प्पा स्थल का नाम है, आलमगीरपुर है। और सबसे पश्चिम में क्या है हमारा, सुतका गेंडर, सुतका
गेंडोर, ठीक है ना, ये चार है हमारा। मांडा हो जाएगा, ये नर्मदा का तट, नर्मदा का मुहाना है, ठीक है। पश्चिम में हो जाएगा हमारा कौन, सुक्का गेंडोर। पूरब में क्या हो गया, आलमगीरपुर। ये चार हमारे इसका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है। तो देखिए आप यहाँ पे सुक्का गेंडोर आपको दिखाई मिल रहा है, ये हमारा, ये मांडा हो गया और यहाँ पे, और यहाँ पे इसके आसपास क्या होगा आपको मिलेगा, आलमगीरपुर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा, इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। इसका आकार कैसा है हमारा, त्रिभुज के आकार का है। इसके अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी आते हैं। इतने सारे राज्यों में फैला हुआ है भारत के, कौन कौन से राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और पाकिस्तान में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान है, ठीक है। इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। अतः यह क्षेत्र पाकिस्तान से बड़ा है, बड़ा तो है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की से भी निश्चय ही बड़ा है, ठीक है ना। आप ये देखेंगे जो इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल किससे बड़ा है, पाकिस्तान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया से क्या है, उससे बड़ा है। और इवन क्या है, यदि मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के क्षेत्रफल को जोड़ दें तब भी क्या हो जाएगा, ये हमारा उससे भी बड़ा होगा। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस सभ्यता का इतना इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना, कि इतनी इतनी बड़ी सभ्यता है, इसका आकार कितना बड़ा है, ठीक है ना। इसे इसका मैं फोटो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद हो सकता है यहाँ पे है, इसमें तो लग रहा है नहीं, ठीक है। चलिए मैं कभी किसी और समय दिखा सकता हूँ आपको मेसोपोटामिया और मिस्र की जो सभ्यता है उसके बारे में कभी अलग से बता दूंगा, ठीक है। ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्त्र शताब्दी में संसार भर में किसी भी संस्कृति का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति से इतना बड़ा नहीं था, ठीक है ना। 3000 BC लगभग 3000 BC के आसपास किसी भी संस्कृति का क्षेत्रफल इतना नहीं, बड़ा नहीं था, आप सोच सकते हैं। इसलिए इसका मतलब विद्वानों के बीच ये आकर्षण का केंद्र रहा है हमेशा, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा कारण है इसका क्षेत्रफल। अब अगला देखिए हमारा, अब तक इस उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 1500 स्थलों का पता लग चुका है, ठीक है। इनमें से कुछ प्रारंभिक अवस्था के हैं, कुछ परिपक्व अवस्था के और कुछ उत्तर अवस्था के, ठीक है ना। देखिए तो हड़प्पा का जो हड़प्पाकालीन स्टेज है इसको तीन भागों में बांटा है, एक मेच्योर स्टेज मैंने परिपक्व स्टेज, ठीक है ना। इसको इसका कार्यकाल या फिर समयकाल कब से मापा जाता है, ये हमारा है 2600 BC से लेकर 1900 BC। इससे पहले जो था उसको प्री हड़प्पन पीरियड बोला जाता है या फिर प्रारंभिक हड़प्पा अवस्था, ठीक है ना। और 1900 BC के बाद वाला, ठीक है ना, से क्या हो जाएगा हमारा, ये पोस्ट हड़प्पन पीरियड हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को ये दोनों नहीं, प्रारंभिक और उत्तर वाला नहीं जाना, हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, मेच्योर स्टेज के बारे में। किंतु परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में संख्या सीमित है, जो मेच्योर हड़प्पन साइट्स है, ठीक है ना, हड़प्पन साइट्स है, उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो और उनमें से केवल 7 को ही नगर की संख्या दी गई है, 7 क्या है, टाउन का मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो कौन कौन से है 7 वो देख लेते हैं, बाकी तो हम लोगों जितने हड़प्पन साइट है वो ऑलमोस्ट जानना है, ठीक है ना, लेकिन ये 7 हमारे मेजर है। तो पंजाब में हड़प्पा, पंजाब में कौन है, मतलब पंजाब मतलब पाकिस्तान का पंजाब, ठीक है ना, पंजाब में हड़प्पा। और दूसरा सिंध में मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो दो हमारे ये साइट बहुत फेमस है, ठीक है ना। हड़प्पा कहाँ पे है, पाकिस्तान के पंजाब में, और सिंध कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध में मोहनजोदड़ो है, मतलब दोनों जो मेजर हमारा है ये कहाँ चला गया, ये दोनों हमारा चला गया पाकिस्तान में चला गया। देखिए हड़प्पा सबसे पहला साइट है, ठीक है ना, जो हड़प्पन साइट, हड़प्पा जितनी सारे स्थल खुदाई हुई है उसमें सबसे पहला हमारा जो साइट है वो कौन सा है, हड़प्पा। इसीलिए संस्कृति का नाम क्या दिया गया है, और हड़प्पन संस्कृति। और साथ ही इसको कांस्ययुगीन ब्रॉन्ज एज इसको सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता, क्योंकि इसमें कांसा का इस्तेमाल होता था, इससे पहले कहीं भी कांसा का इस्तेमाल नहीं होता था। आपको पता होगा कि कांसा का इस्तेमाल कॉपर और टीन को मिलाने से होता है, इससे पहले कॉपर तो था, तांबे का इस्तेमाल होता था, लेकिन टीन की उपलब्धता नहीं थी। अब क्या हो गया, टीन की उपलब्धता हो गई तो उसको दोनों को मिला के अब कांसा बनाना संभव हो गया, ठीक है। अब देखिए मोहनजोदड़ो का जो लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, वो क्या है, प्रेतों का टीला, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है SSC में कितने बार, ठीक है, कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, प्रेतों का टीला होता है। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर है और
हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ठीक है, ये हर चीज इम्पोर्टेंट है। देखिए ये नदी के किनारे जो साइट है, सब नदी का नाम पूछा गया है। अभी SSC में और CTET में एक बार लास्ट बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लोथल कौन से नदी किनारे है, तो कौन सा है, भोगवा नदी किनारे। तो इसी आधार पे हड़प्पा के बारे में भी पूछा सकता है। तो हड़प्पा कौन से नदी किनारे है, रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। ठीक है, तो इस ये सारे थोड़े बहुत फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो हमारे इम्पोर्टेंट शहर हो गया। तीसरा हमारा अगला इम्पोर्टेंट शहर कौन सा है, तीसरा नगर है हमारा मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर के करीब दक्षिण में चन्नूदाड़ो स्थल है। ठीक है ना, कौन सा है, चन्नूदाड़ो। और चौथा हमारा, चौथा नगर गुजरात की खंभात की खाड़ी के ऊपर भगवा नदी के किनारे स्थित लोथल है, जो एक पतन या पोर्ट सिटी है, पतन शहर है। देखिए इसको लोकेशन में दिखाता हूं। देखिए यहां पे तो है मोहनजोदड़ो हो गया। ठीक है ना, ये आपको ये कौन सा, रावी नदी किनारे कौन सा, हड़प्पा हो जाएगा। और इधर हो जाएगा कहां पे हमारा, चन्नूदाड़ो। चन्नूदाड़ो कहां पे होगा, यहां पे दिया नहीं है, देखिए यहां पे है, ये चन्नूदाड़ो हो गया हमारा। और ये हमारा है लोथल हो गया। ये नदी, छोटी सी जो नदी है ये दिख रही है, ये कौन सा हमारा है, भोगवा नदी है। सबका लोकेशन जानना है, ये गुजरात में है, ये चन्नूदाड़ो कहां पे है, सिंध में हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहां है, ये भी सिंध में है। और हड़प्पा कहां है, ये हमारा पंजाब में है। ठीक है, ये लोकेशन जानना है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, कौन सा शहर है जो पोर्ट सिटी है, तो हमारा लोथल है। क्योंकि क्यों, क्योंकि ये देखेंगे लोथल यहां पे है, इसको बोला जाता है क्या, ये समुद्र का जो भाग है इसे बोला जाता है गल्फ ऑफ खंभात या खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी के नजदीक है। तो इसके कारण क्या है, ये इसे पोर्ट सिटी है। अगला हमारा कौन सा है, पांचवा नगर जो है उत्तर राजस्थान में कालीबंगन अर्थात काले रंग की चुड़िया, इसके बारे में पूछ लिया गया SSC में कि जो कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चुड़िया होती है, जो घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। देख सकते हैं इसको कहां पे, ये कालीबंगन, ये कैसे लिखा हूं, ये कालीबंगन है, ये जो नदी है घग्गर नदी है। ये नदी अभी विलुप्त हो चुकी है, मतलब घग्गर हकरा नदी है, ये आपको मिलेगी नहीं। ठीक है ना, लेकिन इसके किनारे थी अभी घग्गर हकरा नदी या घग्गर नदी, ऐसे बोल सकते हैं। छठा नगर क्या है, बनावली है, हरियाणा के हिसार जिले में है। ठीक है ना, ये भी कौन सा नदी है, घग्गर हकरा नदी किनारे है बनावली भी। अगला है सुतका गेंडर और सुरकोटोडा, ये समुद्री तटीय नगरों में भी इस संस्कृति का परिपक्व अवस्था में दिखाई गई है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे लोकेशन, सुतका गेंडर कहाँ पे है, ये देखिए पाकिस्तान का हमारा क्या हो गया, साउथ वेस्ट पार्ट हो गया यहाँ पे है। और इसी ये जो तट है ना, यहाँ से समुद्र किनारे वाला तट, इसी को बोलाता है मकरान का तट, इसलिए पूछा गया मकरान के तट में कौन सा हड़प्पा स्थल है, नाम है सुतका गेंडर। ठीक है ना, अगला है सुरकोटोडा, ये देखेंगे सुरकोटोडा, पहले ये इलाका था, ये रन ऑफ कच्छ है, ये पानी में डूबा हुआ था पहले, इसके कारण ये सुरकोटोडा भी क्या है, एक तरफ से ये पोर्ट सिटी है। ठीक है ना, ये भी समुद्र किनारे वाला, ये भी समुद्र किनारे भी है, सुतका गेंडोर सुरकोटोडा भी क्या है, ये भी समुद्र किनारे वाला है। आपको ये लोकेशन देखना है, हर एक चीज के बारे में लोकेशन पूछता है। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें मैं पहले क्वेश्चन भी आप साथ में देख लीजिए, कहां पे लिखा था मैं, हाँ यहाँ पे देखिए, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन मान लीजिए लोथल, दूसरा कौन सा है रंगपुर, तीसरा रोजदी, चौथा धोलावीरा, पांचवा सुरकोटोडा, छठा देसलपुर, और सातवां हमारा कौन सा हो गया, ननौदीस। ठीक है, आप गेस कर सकते हैं, 2 सेकंड दे रहा हूं आपको। देखिए लोथल तो है ही है, अभी दिखाया मैंने, रंगपुर भी है, रोजदी भी है, धोलावीरा भी है, सुरकोटोडा भी है, देसलपुर भी है, मतलब इनमें से कोई नहीं है, या इसको अलग कर सकते हो, सभी इनमें सभी के सभी गुजरात में है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको आपको मैप में दिखा दूं, देखिए ये है रोजदी है, ये रंगपुर है, ये लोथल है, ये देसलपुर, धोलावीरा, सुरकोटोडा। ये देसलपुर UPSC में लास्ट ईयर प्री में पूछा गया था देसलपुर। ठीक है ना, सबको एक एक लोकेशन के बारे में आपको याद करना है। ठीक है ना, बिना लोकेशन देखे समझ में नहीं आएगा, सारे गुजरात में है, कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछा नहीं गया, संभावना है UPSC में पूछ सके, SSC में उम्मीद नहीं कर सकते हैं ऐसे सेपरेटली पूछा जाएगा, लेकिन UPSC में इसी तरह से कुछ पूछा जा सकता है, कोई चार जो अननोन एकदम है। ठीक है ना, मतलब जिसको आपने कभी तक नाम ही नहीं सुना होगा, देसलपुर जनरली लोगों ने नहीं सुना होगा, इसलिए देसलपुर के बारे में पूछा गया है।
धोला बिरा ये सब तो सब कुछ सब कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो ये सारे साइड्स हैं हमारे। अब इसके बारे में जो एक एक खासियत है वो मैं बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है ना, कि कौन सा जगह में क्या क्या प्राप्त हुआ गया हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए हमारा अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला हमारा है सामाजिक व्यवस्था। देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ से बताने की कोशिश किया हूं, हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्या है, हड़प्पा संस्कृति क्या पढ़ना है, हम लोग तीन पढ़ना है, राजनीतिक व्यवस्था पढ़ना है, सामाजिक व्यवस्था पढ़ना है और आर्थिक व्यवस्था पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोग को, सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में भी उसके अलग अलग कंपोनेंट है। पहला हो गया हमारा धर्म हो गया, तो पहले सामाजिक व्यवस्था में क्या है धर्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लिपि के बारे में जानेंगे और उसका मापतोल का कुछ व्यवस्था है, ये तीन। चलिए शुरू करते हैं सामाजिक व्यवस्था, मतलब वहां का समाज का क्या हालत था। तो पहला हमारा कंपोनेंट है धार्मिक प्रथाएं क्या क्या, रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या क्या था वहां पे, ठीक है, सोशल सिस्टम क्या था। तो धार्मिक प्रथाएं में क्या है, सबसे पहले आता है हमारा देवताओं के बारे, मतलब ये देवता क्या क्या थे, ठीक है ना। तो देवता में आपको पता ही है कि देवता का तीन ही रूप हो सकता है, या तो हो सकता है वो मानव के रूप में हो सकता है, या पशु के रूप में हो सकता है, या फिर वृक्ष के रूप में हो सकता है, ठीक है ना। तो धार्मिक प्रथा में क्या हो गया, देवता क्या हो गया, देवता में हमारा तीन रूप हो गया, ठीक है ना, मानव रूप, पशु या फिर वृक्ष के रूप में हो सकता है। अब मानव रूप में भी क्या होता है, दो रूप में, दो प्रकार का हो सकता है, एक तो क्या हो गया स्त्री के रूप में हो सकता है, एक पुरुष के रूप में, ठीक है ना, स्त्री, दूसरा क्या हो सकता है पुरुष के रूप में। तो स्त्री, इसलिए देखेंगे आप क्या है, बहुत सारे स्त्री मूर्तिकाएं, मतलब फिगरिंग्स ऑफ वुमेन्स, ठीक है ना, औरतों की क्या बहुत सारे प्रतिमाएं बनी हुई है, ठीक है। देखिए क्या है, हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली है, ठीक है। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा फोटो, मतलब मूर्ति है जिसके गर्भ से क्या निकलता है वो दिखाया गया है, एक पौधा निकलता है दिखाया गया है, इसका सिंबल, इसका मतलब ये क्या है कि पृथ्वी देवी की हम प्रतिमा है। पृथ्वी क्या होता है, जन्म देती है पेड़ पौधा या फिर सारे मनुष्य को, क्या होता है, या फिर ओरिजिन होता है उससे, इसलिए उसको सिंबल के रूप में दिखाया गया है। इसका फोटो मैं वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं, लास्ट में वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि में से रहा होगा। हड़प्पाई लोग धरती की उर्वरता देवी समझते थे। ऑब्वियस है कि हड़प्पा जो संस्कृति है, तो आप यहाँ पे देखेंगे गौर से तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये जो है पूरा सिंधु नदी घाटी क्षेत्र है, सिंधु नदी घाटी क्षेत्र है, इसके कारण क्या होगा, ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होती थी, इसमें पेड़ पौधों का महत्व क्या है बहुत ही ज्यादा था, इसलिए ऑब्वियस ये धरती को क्या था, उर्वरता देवी समझते थे, इसलिए उनकी अलग अलग तरीके की मूर्तिकाएं बनी होती थी। बहुत ही सारा लॉजिकल है, आप यदि भूगोल याद रखेंगे सारे आपको याद हो जाएगा। तो ये एक देवी थी और इसकी पूजा करते थे। मिस्र की भांति हड़प्पा सभ्यता में उत्तराधिकार के स्वरूप के बारे में हमें ज्ञात नहीं है। देखिए मिस्र में क्या था, मिस्र की जो सभ्यता था वहां पे औरतों को भी संपत्ति का अधिकार होता था, लेकिन जो हड़प्पा संस्कृति में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। ये यूपीएससी के स्टेटमेंट के रूप में दिया जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यूपीएससी बहुत ही चालाक है, वो कंपेरेटिव ऐसा कर देती है। ये तो हो गया पहला हमारा पुरुष देवता, महिला या स्त्री देवता हो गया। अब पुरुष देवता में कौन कौन आएगा, पुरुष देवता एक मुहर पर चित्रित किया गया है जिसके सिर पर तीन सिंह है, ठीक है ना। अब एक मतलब एक सील बनाया गया, सील मतलब जानते ही होंगे आप, ठीक है ना, मुहर। इसके सिर पर क्या है, तीन सिंह है। वह एक योगी की ध्यान मुद्रा में एक टांग के ऊपर दूसरी टांग पर डाले बैठा दिखाया गया है, मतलब पद्मासन लगाए हुए बैठा गया है, ठीक है ना, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, ठीक है, जनरली जो पंडित लोग बैठते हैं, ठीक है ना। उसके चारों ओर एक हाथी, बाघ, गेंडा है, ठीक है ना, उसके चारों ओर क्या है, हाथी है, बाघ है, गेंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा, पांवों पर दो हिरण, मुहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव बतलाया जाता है, ठीक है ना। देखिए ये तीन सिंह के कारण, ठीक है ना, इसको इसे कल्पना करते हैं किससे, शिवजी से तुलना करते हैं या महादेव से तुलना करते हैं, तो ऐसा माना जाता है। इसी कारण, इसी मुहर को देखकर ये अंदाजा लगाया गया, जो हमारे इतिहास का लोग अंदाजा लगाया कि उस समय शायद लिंग पूजा का प्रचलन था उस समय, ठीक है। लिंग पूजा जो अभी भी हमारा हम पूजा करते हैं, किसके बारे में, लिंग पूजा भगवान शिव जी के बारे में, ठीक है ना। तो लिंग पूजा उस समय से चली आ रही है, अभी भी चली आती है। इसीलिए यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछा था, आप मेंस में ध्यान दिए होंगे, क्वेश्चन में शायद लिखा हूं तो मैं आपको बता सकता हूं।
यहाँ पे तो शायद दिया नहीं है, लिखा नहीं वहाँ पे, मैं बताता हूँ फिर भी मैं क्वेश्चन समझ लिए। ये पूछा गया था कि कौन कौन सी ऐसी संस्कृति जो हड़प्पा सभ्यता की कौन सी ऐसा विरासत है जो अभी तक भारतीय संस्कृति में विद्यमान है, ये समझ लीजिए। तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो ये देख लिंग पूजा अभी भी क्या हमारा था उस समय से लेकर अभी भी विद्वान है, ये ध्यान देना है ठीक है। और एक और चीज क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि इसे चार ऑप्शन दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा संस्कृति के दौरान या हड़प्पाई लोगों को जानकारी नहीं थी। तो देखिए हाथी के बारे में उनको जानकारी प्राप्त थी, बाघ के बारे में जानकारी थी, गेंडा के बारे में जानकारी थी, भैंसा के बारे में जानकारी थी, हिरण के बारे में जानकारी थी, लेकिन उनको शेर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लायन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये ध्यान रखना। ऐसे ऐसे ऑप्शन पूछे जाते हैं, तो ये सारे उनको जानकारी थी, इसके अलावा कोई और दे तो वो आपको नहीं समझ, आपको उसमें ध्यान नहीं देना है, वो नहीं पता होगा उनको ठीक है ना। तो शेर के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो चलिए शुरू हो गया हम लोग का, क्या ये हो गया हम लोग का देवता के बारे में हो गया, हमने पढ़ लिया पुरुष देवता और स्त्री देवता के बारे में हो गया हमारा। तो दूसरा है हमारा जो दूसरा देवता का रूप है हमारा क्या है, वृक्ष के रूप में जो हमारा पूजा करते हैं ठीक है ना। तो सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष पूजा भी करते थे, एक मुहर पर पीपल के डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित है ठीक, पीपल के डालों में क्या है देवता चित्रित है। तो ये पूछा जा सकता है कहीं पीपल के डालों के बीच जो देवता है वो किससे संबंधित है, ये हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। देखिए वो लोग प्रकृति पूजक भी थे, ये आपको ध्यान रखना है, ऑब्वियस है कि उनके यहाँ जंगल था, वो क्षेत्र ही ऐसा था जंगल वाला ठीक है ना, तो वो वहां पे पूजा करेंगे ठीक है। तीसरा है पशु पूजा, पशु भी पूजा करते थे उन लोग, कई पशु मुहरों में अंकित मिले हैं, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जानवर यूनिकॉर्न, एक जानवर था यूनिकॉर्न, मतलब यूनि मतलब क्या सिंगल होता है, कॉर्न मतलब सिंगल हॉर्न, जिसका सिंगल हॉर्न था, जो गेंडा हो सकता है। उसके बाद इसका फोटो मैं डाल दूंगा ठीक है। तो इसमें क्या है सबसे जो महत्वपूर्ण जानवर था उनका था कि यूनिकॉर्न ठीक है, उसका क्या था सिर्फ एक सिंह होता था, इसलिए इसका नाम क्या था यूनिकॉर्न होता था ठीक है। तो शायद हो सकता है यूनिकॉर्न जो था गेंडा हो सकता उस समय, या संभावना है कि कुछ अलग भी हो सकता था, तो उसमें हम लोग डिबेट में नहीं जाना है। तो क्या है यूनिकॉर्न आपको याद रखना है। उसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जानवर था वो कौन सा था, महत्वपूर्ण जानवर देवता वो था कुबड़ वाला साल, हम्ड बुल ठीक है ना, ये भी बहुत ही उसको पूजा जाता था। सिंधु प्रदेश के निवासी वृक्ष पशु और मानव के स्वरूप में देवता की पूजा करते थे, ये अभी बता दिया तीनों, मानव के रूप में भी होता था, पशु के रूप में, वृक्ष के रूप में होता था, परंतु वे अपने इन देवताओं को मंदिर नहीं बनाते थे। अभी ये ध्यान रखना है कि जो मेसोपोटामिया की संस्कृति था उसमें मंदिर बनाया जाता था, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में कहीं मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला। यही तो मंदिर नहीं बनाते थे, मतलब आप देखेंगे इसमें यूपीसी यही से क्वेश्चन पूछेगी ठीक है ना। उसका क्वेश्चन क्या रहेगा कि हड़प्पा संस्कृति लोग बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे ठीक है ना, ये यहाँ पे क्वेश्चन बनने का चांस होता है ठीक है ना, इसलिए ध्यान देना आपको। तो हड़प्पा संस्कृति मंदिर नहीं बनाते थे, मेसोपोटामिया के लोग बनाते थे ठीक है ना। भूत प्रेतों से बचने के लिए ताबीज का इस्तेमाल करते थे। देखिए ताबीज का साक्ष्य भी मिला है, ताबीज का साक्ष्य मिला है ठीक है। तो इसका ये प्रूफ है कि वो भूत प्रेत से बचने के लिए इस्तेमाल करते थे ठीक है ना। अगला जिस हमारा दूसरा पार्ट है हड़प्पाई लिपि, दूसरा पार्ट क्या है हड़प्पाई लिपि हमारा है, हड़प्पाई लिपि या हड़प्पन स्क्रिप्ट क्या है देखिए इसके बारे में। 1923 में हड़प्पाई लिपि पूरी तरह प्रकाश में आ गई, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका ठीक है ना, ये देखना है कि हड़प्पाई लिपि अभी तक पढ़ा नहीं गया है। मिस्रियों और मेसोपोटामियाओं के तुलना में हड़प्पाइयों के अभिलेख उतने लंबे नहीं है ठीक है। तो क्या कारण है, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है ठीक है, ये पढ़ाने गया ये तो एसएससी वाला है ठीक है ना, लेकिन यूपीएससी के पूछे क्यों नहीं पढ़ा गया है, कारण क्या है कि क्योंकि इसमें स्क्रिप्ट बहुत ही कम मिले हैं, जो लेटर्स हैं वो बहुत ही कम आपको मिले हैं ठीक है ना। मेसोपोटामिया में के और मिस्र के बहुत सारे मिले हैं आपको ठीक है, लेकिन इसमें कितना मिला है सिर्फ 200 से 400 तक ही पिक्टोग्राफ्स मिले हैं, लेकिन मेसोपोटामिया के बहुत ज्यादा मिले हैं, इसलिए ये पढ़ा नहीं जाएगा, इतने कम में कैसे एनालिसिस करना संभव नहीं होता है ठीक है। और साथ ही साथ क्या है ये पिक्टोग्राफ में मतलब चित्र के फॉर्म में है, लेटर के फॉर्म में नहीं है, मतलब अल्फाबेटिकल नहीं है, ये क्या है पिक्चर के फॉर्म में है। देखिए यहाँ पे क्या है, और चित्र के रूप में लिखा गया हर अक्षर किसी ध्वनि या भाव या वस्तु का सूचक है ठीक है, कोई ना कोई सिंबल का है। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक मतलब अल्फाबेटिकल नहीं है, बल्कि मुख्यतः चित्र लेखात्मक पिक्टोग्राफिक है ठीक है ना, ये ध्यान देना है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, किधर मतलब
दाई से, हम लोग लिखते हैं कहाँ से यार, राइट, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, इसमें क्या होता है राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है ना, इधर से इधर की ओर, ठीक है, इसलिए इसी जो लिखने का स्टाइल है इसी को बोला जाता है बोस्टोफेड्रॉन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, क्या क्या याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता आपको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, क्यों नहीं पढ़ा जा चुका है, क्योंकि स्क्रिप्ट इसमें इंस्क्रिप्शन फिर जो अभिलेख है वो बहुत ही कम है। फिर तीसरा याद रखना, ये किस फॉर्म में है, पिक्टोग्राफ के फॉर्म में है, ठीक है ना, और ये किधर से बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, इसे कहा जाता है बोस्टोफेड्रॉन। ये इतना याद रखना है आपको हड़प्पा लिपि में, इसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इससे जो रिलेटेड जो मेंस का क्वेश्चन होगा वो मैं आपको एक दिन लास्ट में वीडियो के एंड में या लास्ट वाला लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा मेंस का क्वेश्चन कौन सा करना है। देखिए माप तोल वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है ना। अब देखिए हड़प्पा संस्कृति के लोग क्या है ना, उनका जो क्षेत्र है अब भूगोल देखेंगे उनका, तो वो क्या है नदी घाटी क्षेत्र है। नदी घाटी क्षेत्र क्या है, ये बाढ़ वाला मैदान है नदी घाटी का क्षेत्र, बाढ़ होने के कारण क्या हर साल उपजाऊ मिट्टी लाती है, इसलिए खेती बाड़ी जबरदस्त होती है। लेकिन इससे पहले वाला जो एज था हमारा स्टोन एज, वो जो पहाड़ों में बसते थे या फिर नदी घाटी क्षेत्र में बसते थे, लेकिन बाढ़ वाले मैदानों में नहीं बसते थे। लेकिन ये अंतर क्या है, ये लोग बाढ़ वाले मैदानों में बसते हैं हड़प्पा संस्कृति के लोग। अब आसान लोग कहां पे, नदी घाटी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में। अब पहाड़ी क्षेत्र उतने उपजाऊ नहीं होते हैं जबकि बाढ़ वाले क्षेत्र बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं। उपजाऊ होने के कारण क्या होता है, इसमें इसके क्या होता है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण क्या हो गया यहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, मतलब अधिशेष उत्पादन होने लगा। अधिशेष उत्पादन मतलब अपने लोगों के खाने पीने और पूरे जितने सारे शहर के लोग खा पी के जितना बहुत सारे क्या होगा अनाज बच जाता था। अब बच जाएगा तो ऑब्वियस है उसका इस्तेमाल लोग के व्यापार में करेंगे। लेकिन क्या होता था पाषाण काल में या स्टोन एज में ऐसा कुछ नहीं होता था, उस समय अपनी जरूरत को ही पूरा करने के लिए उत्पादन नहीं होता था, इसलिए उस समय ट्रेड नहीं होता था उतना। लेकिन ट्रेड का जो हमारा मेजर शुरुआत कहां से हुआ है आप देखेंगे वो हड़प्पा संस्कृति से, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ वाले क्षेत्र में रहते हैं, बाढ़ वाले क्षेत्र में रहने के कारण क्या होता है सरप्लस प्रोडक्शन होता है, सरप्लस प्रोडक्शन से क्या होता था वो हमारा ट्रेड होना शुरू हुआ, ठीक है। अब ट्रेड होगा इसके लिए क्या चाहिए आपको, माप तोल की कोई जरूरत होगी। देखिए सिंधु क्षेत्र में नगरवासियों को व्यापार और अन्य आदान प्रदानों के लिए माप तोल की आवश्यकता हुई और उन्होंने इसका प्रयोग किया। बाट के रूप में बहुत सी बाट मतलब वेट्स एंड मेजर्स के रूप में बटखरा होता है, आप लोगों को पता होगा। बाट के रूप में बहुत सी वस्तुएं पाई गई, उनमें प्रकट होता है कि तोल के रूप में 16 के या उसके आवर्तों को मल्टीपल्स 16 के मल्टीपल्स का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320, ठीक है ना, 640, ये सब इसके मल्टीपल्स का इस्तेमाल होता था, ये सारे वजन के रूप में होता था, ठीक है ना, जैसे अभी मापने के लिए होता है 1 kg, 2 kg होता है मल्टीपल्स के रूप में, ऐसा ही इसमें था। दिलचस्प बात यह है कि 16 के अनुपात की यह परंपरा भारत में आधुनिक काल तक बनी रही है, ठीक है ना, हाल तक यह एक रुपया 16 आने का होता है, आपको पता ही होगा 16 आने में कितना होता है 1 रुपया होता है, तो 8 आने में कितना होगा 50 पैसे होता है, 4 आने का मतलब क्या होता है 25 पैसा होता है, ये आपको भी पता होगा, ठीक है। ये देखिए ये भी हमारा क्या एक विरासत है, आपको जितने सारे पॉइंट बता रहा हूँ सारा नोट करना है आपको, विरासत में मैं लास्ट बार में लिस्ट बना दूंगा कौन कौन सा विरासत में मुझे प्राप्त हुआ है। 16 आने भी क्या है हमारा अभी तक हमारी संस्कृति का भाग है। बाट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनते थे, ये भी पूछा गया है कौन से पत्थर से बनते थे बाट, चट, ठीक है ना, आपको वीडियो मैं कोशिश करूंगा उसका भी फोटो आपको पोस्ट कर दूं, ठीक है ना, अंतिम में। तो ये हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया सामाजिक व्यवस्था, ठीक है ना, तो ये आपको देखना है। देखिए ये मैंने अभी हड़प्पा और मिस्र की सभ्यता की जो कंपेरिजन क्या हुई मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, वीडियो के एंड में। तो एक क्वेश्चन ये तो बता दिया मैं क्वेश्चन, ठीक है ना, उससे पहले आप देख लीजिए ये थोड़ा लिस्ट देख लीजिए, इसमें ये पूरा लिस्ट है हड़प्पन साइट का, ठीक है, और इसकी कौन सी नदी है ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, और इसकी जो इसके खोजकर्ता है ये क्षेत्र है ये नदी कहाँ है ये वाला देखिए ये पूरा है, ठीक है, ये आपके काम का आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का पहला लेक्चर है, ठीक है ना, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें मैं बताऊंगा आपको इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल सिस्टम और टाउन प्लानिंग के बारे में, 2-3 वीडियो आएंगे इसमें, बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, समझना है थोड़ा आसान से, एक बार में पढ़िए लेकिन थोड़ा डिटेल से पढ़िए, ठीक है, वो संभावना होगी तभी अच्छे से पकड़ होगी, किसी भी एग्जाम के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फिलहाल इतना रखता हूँ आज, जो कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।